तो डबल एलिफेंट है। डबल एलिफेंट है, डबल है वो, सिंगल ना। भाई ताऊ सही बोल रहे, डबल एलिफेंट है मतलब डबल हाथी। ताऊ जैसे इतना बड़ा ट्रैक्टर है अपने क्षेत्र में, तो जो है ट्रैक्टर है तो किस तरीके का मतलब ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस? टॉप का ट्रैक्टर है, इससे बढ़िया काम ही ना करता। पूरी जिंदगी हमारी 45 साल हो गए खेती करते हुए, 65 साल हो गए खेती करते हुए। हाँ। क्या सोच के 55 HP कैटेगरी के साथ भाई ट्रैक्टर का जो इंजन दे दिया इन्होंने। और भाई एक बार लिफ्ट दिखा दूं पहले आपको। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। भाई आज की जो वीडियो है वो इंडो फार्म ट्रैक्टर की है, और भाई इंडो फार्म में जो मॉडल है वो है 3055 DI सीमेस। भाई ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन की बात करी जावे तो इसमें भाई आपको 4087 CC का 4 सिलेंडर नेचुरल स्प्रेटेड इंजन मिलता है, जो आपको 2300 RPM पर चलकर 60 HP प्रदान करता है। अगर भाई ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की बात करी जावे तो भाई 7/50/16 के फ्रंट टायर और बैक टायर इसमें 16/28 के मिलते हैं। गेयरबॉक्स भाई इसमें जो मिलता है आपको साइड में इस गेयरबॉक्स मिलता है, साइड शिफ्ट 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ ड्यूअल क्लिच के साथ भाई ट्रैक्टर आता है। अगर ट्रैक्टर की PTO horsepower की बात करी जावे तो लगभग भाई 53.5 HP लगभग 1750 चक्कर पर निकालता है भाई ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर में जो है PTO के ऑप्शन मिलते हैं भाई, रिवर्स PTO, गियर PTO और तुम्हारा क्या नाम है 540 PTO के साथ। तो भाई आज जो ये ट्रैक्टर चला हुआ है 7 फीट के रूटावेटर पे चला हुआ, और भाई इसकी परफॉर्मेंस देखनी है ट्रैक्टर की कि किस तरीके का परफॉर्मेंस करता है पहले का लो और दूसरे के लो में। भाई 540 चक्कर पे चलाया जाएगा और बिल्कुल नया रूटावेटर है भाई, फुल ब्लेड के साथ और फुल लिफ्ट डाउन, और ढेंचे का खेत है भाई ये। यहाँ पे जो है मतलब सनी ढेंचा जो बो दिया जावे है, खेत गीला भी है बिल्कुल, मिट्टी जो है गीली है, और एक बार पहले जोत लिया खेत, उसके बाद भाई फुल लिफ्ट जब ही बैठती जब जो है बार भाई ब्लेड देख लो, पहले कभी ये बोलो कि नया रूटावेटर नहीं है, ब्लेड एकदम फुल साइज है भाई नया अभी। मतलब कहने का मतलब है कि भाई धार भी सही से निकली नहीं है। तो भाई ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखना, और भाई अकेला ही ट्रैक्टर है अपने गाँव में इंडो फार्म 3055 DI सीमेस। तो भाई पहले जो किसान है उनसे बात करेंगे कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा ट्रैक्टर, भाई बड़ा तो है ही, आदमी बराबर में खड़ा हो जाए 6 फुट की हाइट के साथ है, तो इतना बड़ा ट्रैक्टर लेने का उनका मतलब विचार कैसे बना, और इससे पहले कौन से ट्रैक्टर चलाते थे। तो भाई सामने जो किसान भाई है जिनके पास ये ट्रैक्टर है तो उनसे बातचीत करेंगे पहले कि भाई मतलब इतना बड़ा ट्रैक्टर लेने का उनका पर्पज़ क्या रहा। राम राम भैया। राम राम भैया। भैया नाम पता बता दो एक बार अपना। कुमार, गाँव लाडपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो भाई राहुल भाई एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे पास ये इंडो फार्म का 3055 DI सीमेस है भाई, गांव में अकेला सबसे बड़ा ट्रैक्टर है अपनी कैटेगरी के साथ भाई, 4087 CC का इंजन है, तो ट्रैक्टर लेने का विचार कैसे बना इतना बड़ा? इसमें पहले हमने चला रखा है इंडो फार्म 3055 NV। अच्छा, वो कितने हॉर्स पावर में भैया? 55 HP में है वो। अच्छा अच्छा तो उसमें और इसमें क्या अंतर लगा ट्रैक्टर में? इसमें जमीन आसमान का अंतर मिला जाए भी तो ये लेना पड़ा। अच्छा, मतलब जैसे एक चीज और बताओ, इस ट्रैक्टर ने कौन कौन से उस पे इम्प्लीमेंट पे चलाओ कृषि पे, मतलब रूटर पे, कटर मशीन पे, टिलर पे, हैरो पे, अभी तो 3-4 चीजों पे चलाया आयो। अच्छा अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा भी जो है मौका लगा है कि इस ट्रैक्टर ने कभी तुम्हें मतलब निराश करा हो किसी भी चीज पे परफॉर्मेंस में? नहीं, बिल्कुल हर जगह फिट। हाँ जी, चाहे कहीं भी अड़ा दो, कहीं भी फुल लिफ्ट डाउन कैसे भी करके चला दो। और तेल की कंजप्शन क्या मानो भैया इसकी? तेल तो जो है अब काम के ऊपर है भाई। हाँ वही बात है, जैसा ट्रैक्टर रूटावेटर खींचोगे वैसा ही जो है तेल लेगा, लगभग मान के चलो लीटर बीघे का एवरेज मान है, मान के चलो। तो जैसे अब जो है यहाँ जो है, एक राहुल भाई एक बात बताओ, जैसे अब फुल लिफ्ट पे ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर दबने का मतलब है कुछ ना? नहीं, किसी भी सूरत में ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक काम करो, स्टार्ट करो ट्रैक्टर ने और चलाओ पहले सूधा सूधा, भाई बाद में ही देखेंगे इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस। भाई सामने ट्रैक्टर है पहले के लो और फुल मतलब फुल लिफ्ट डाउन, और देखो भाई ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस, RPM ड्रॉप भाई बिल्कुल नहीं लेगा ट्रैक्टर। कारण है भाई ट्रैक्टर का इंजन ही इतना बड़ा दिया है कंपनी ने, पता नहीं क्या सोच के 55 HP कैटेगरी के साथ भाई ट्रैक्टर का जो इंजन दे दिया इन्होंने। और भाई फुल एक बार लिफ्ट दिखा दूं पहले आपको, जो है भाई देखो फुल लिफ्ट डाउन है बिल्कुल, और मिट्टी देखो भाई।
ट्रैक्टर भाई ऐसे चल गया बिल्कुल खुल के एकदम आराम से, और लिफ्ट बिल्कुल फुल डाउन। यहाँ देखो भाई रूटावेटर, और भाई बिल्कुल नया रूटावेटर है 7 फीट का, और मिट्टी देखो भाई चोक कर रखी है ट्रैक्टर ने। चाल भी भाई बहुत निकाल लिया है। राहुल दूसरे का लो भाई, दूसरे का लो। हाँ देखो ट्रैक्टर की आवाज भी भाई हल्की सी, स्मोकिंग देख लो पहले एक बार, स्मोकिंग नाम की चीज नहीं है ट्रैक्टर के भीतर। और भाई भीतर देखो इसमें, यहाँ देखो मिट्टी। और गरारी की बात करी जावे भाई तो 16-19 की नहीं है भाई, 17-18 की गरारी है। और ट्रैक्टर के पीटीओ के चक्कर देख लो, कभी आप ये बोलो कि गियर पीटीओ के साथ चल दिया ट्रैक्टर। फुल लिफ्ट डाउन है भाई बिल्कुल। रूटावेटर जो है फुल लिफ्ट डाउन है भाई, धड़क के साथ चल रही है। रूटावेटर में भी धड़क बना दी ट्रैक्टर ने। और एक बार देख लो भाई लीवर, देखो ये रे लीवर जो ब्लैक कलर में बिल्कुल एकदम नीचे पड़े हुए हैं। और मिट्टी देख लो एक बार और से, चोक कर रखी है भाई मिट्टी बिल्कुल। और स्मोक देख लो भाई, स्मोक नाम की चीज ना। और भाई पीछे लो एक बार जो है, पीछे से भी व्यू देख लो ट्रैक्टर का भाई। इंडो फार्म वालों ने बिल्कुल जो है ना ट्रैक्टर का हाथी बना के दिया किसान के यहाँ। और तेल की कंजप्शन भाई डिपेंड करती है आपके लोड के हिसाब से भाई। अगर मैं ये बोल दूँ कि भाई 600 ग्राम या 700 ग्राम खावे भाई, लीटर बीघे का तेल लेकर चलेगा फुल लिफ्ट डाउन पर कोई भी ट्रैक्टर। और जिस हिसाब से भाई ट्रैक्टर है उस हिसाब से इम्प्लीमेंट छोटा है। कायदा बोल रहा कि भाई 7 फीट का जगह 8 फीट या 9 फीट का रूटावेटर इस पे ट्रैक्टर पे होना चाहिए। भाई ट्रैक्टर ने बिल्कुल भी 0 RPM ड्रॉप के साथ चल रहा है। यो देखो भाई फुल लिफ्ट डाउन है भाई रूटर की, मतलब ट्रैक्टर ना भाई एक तरीके से ऐसे मान लो बिल्कुल किसान के मतलब का ट्रैक्टर बनाया भाई। किसी भी तरीके से मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी गई है भाई, थोड़ी बहुत जो कमी है भाई साइड शिफ्ट गियर के साथ भाई क्या नाम है तुम्हारा वो नहीं है, इसके साथ हाई लो मीडियम बस हाई और लो है। तो भाई सामने किसान भाई हैं उससे बात करेंगे अब, मतलब किस तरीके का जैसे ट्रैक्टर ने परफॉर्मेंस निकाला है। फुल लिफ्ट डाउन पहले का लो दूसरे का लो। राहुल भाई ट्रैक्टर था बिल्कुल दबाई ना, ट्रैक्टर कैसे दब जाएगा, हाथी है भैया, हाथी है सही बात है भाई। बिल्कुल ही जो है ना फुल लिफ्ट डाउन पहले का लो और दूसरे दोनों पहले में और दूसरे में। और भाई गीला खेत है सबसे बड़ी बात ही राहुल, मुझे तो जो है ना देख सही बात बताऊं अंदाजा क्या लग रही है कि जैसे लिफ्ट डाउन होएगी फुल ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करेगा, क्योंकि गीले खेत में ऊपर से ढेंचा है अभी का कटा हुआ भाई ताजी का, तो खुरपे के जो ब्लेड है ब्लेड के सामने ढेंचा हिल जावे। तो राहुल भाई कैसा लगा मतलब ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस? ट्रैक्टर बढ़िया है, जब ही तो लेना पड़ा हमने दूसरा। अच्छा एक बार जो है जैसे ट्रैक्टर तुमने चलाया है उससे पहले ऐसा लगा कि भाई जैसे गीला खेत है ट्रैक्टर बंद हो जाएगा? नहीं, बंद कैसे हो जाएगा सही बात है, है ताऊ जी बंद ना हो, बंद ना हो, बंद ना हो किसी भी लोड पे, किसी भी लोड पे। अच्छा जी जो तो न्यू 7 फुट आया न्यू 10 फुट पे जोड़ दो, डबल एलिफेंट है। डबल एलिफेंट है, डबल है वो, सिंगल ना, डबल एलिफेंट भाई ताऊ सही बोल रहे हैं, डबल एलिफेंट है मतलब डबल हाथी है। ताऊ जैसे इतना बड़ा ट्रैक्टर है अपने क्षेत्र में तो जो है ट्रैक्टर इस्टू धातु काम करने वाला ट्रैक्टर है ना इलाके में। अच्छा जी, मतलब जैसे ट्रैक्टर चले है तो
किस तरीके का मतलब ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस? टॉप का ट्रैक्टर है, इससे बढ़िया काम ही ना करता। पूरी जिंदगी हमारी 65 साल हो गए खेती करते हुए। 65 साल हो गए खेती करते हुए। भाई ताऊ जी सही बात कह रहे हैं, डबल एलिफेंट है ताऊ जी की वाली बात है, हरा हाथी है भाई ट्रैक्टर। हरा हाथी है हाँ भाई, पूरी लिफ्ट डाउन करके पहले का लो, दूसरे का लो, और जो रेटेड आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाया जा रहा भाई, 2000 या 2500 चक्कर करने वाली कोई बात ना होती, रेटेड आरपीएम ट्रैक्टर के जो कंपनी सेट करके देती है उस पर ही ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस का पता चला है। तो भाइयों फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।